अस्सलाम वालेकुम। आज 23 तारीख है फरवरी 2024 और संडे है। इस वक्त दोपहर के 12:15 बज रहे हैं। तो हमारा बॉन्टन टाउन न्यू जर्सी में इसी की नाम की नस्बत में हमारा यहाँ बॉन्टन रेलवे स्टेशन भी है बराबर में। तकरीबन 3-4 मिनट का कार ड्राइव का है सफ़र और वहाँ पहुँचाता हूँ, दिखाता हूँ आपको। तो चलते हैं हमारा बॉन्टन रेलवे स्टेशन देखने के लिए। समझे कि यहाँ से 3-4 स्ट्रीट जिसे हम कहते हैं गलियाँ, इसके बाद ही वो आ जाएगा। तो मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ और हमारे रेलवे स्टेशन के बारे में, इसकी खूबियों के बारे में आपको तफसीलात से आगे करता हूँ। तो चलते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। चले मेन रोड की तरफ गाड़ी निकालता हूँ, सामने वाले को रास्ता दे देते हैं कि पहले निकल जाए। चले सो, यहाँ के ड्राइविंग के बहुत ही सख्त कानून है। ये अपने आप स्टॉप का जो देखा मेरे पीछे साइन बोर्ड, तो यहाँ आपको कोई हो ना हो आपको रुकना जरूर है, 3-4 सेकंड रुकेंगे जरूर। साइन बोर्ड जैसे ही आएगा इसके बाद आप जाएंगे। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर यहाँ सख्त कानून है और 3 बार अगर आपको पेनल्टी लग जाए तो हमेशा के लिए लाइसेंस भी आपका जब्त कर लिया जाता है। और अमेरिका में अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो समझ लो कि आपके पास अपनी टांगे नहीं है, फिर आप कहीं के नहीं रहे। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बहुत कंपलसरी है, इसीलिए सबके पास यहाँ गाड़ियां हैं। कोई भी आपको पैदल वॉक करता हुआ नजर नहीं आएगा। इसलिए देखिए ये स्टॉप आ गया है। अब चाहे कोई हो या ना हो, मुझे यहाँ 3-4-5 सेकंड ऐसे रुकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। देखता हूं कोई भी नहीं है दाएं बाएं तो फिर मैं निकल जाऊंगा। यानी ये इंडिकेशन है स्टॉप का कि आप रुकें, चाहे कोई हो या ना हो। बॉन्टन का एरिया है हमारा न्यू जर्सी का। ये मेरे उल्टे हाथ पे वर्ल्ड मार्ट है, घर से 2 मिनट के फासले पे ही। तीन मिनट की ड्राइव के बाद मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ बॉन्टन स्टेशन पे। और ये खूबसूरत सा हमारा बॉन्टन ट्रेन स्टेशन जो है, रेलवे स्टेशन, 1904 में इसकी बुनियाद डाली थी और इसके बुनियाद डालने वाले फ्रैंक जे नाइस थे। इन्होंने डेलेवर, लेकुना और वेस्टर्न रेलवे वगैरह की तामीर भी इन्होंने की थी। ये आर्किटेक्चर थे फ्रैंक साहब। और ये खूबसूरत देखें रेलवे स्टेशन जो है आपको नजर आ रहा है, मैं अंदर की तरफ जाऊंगा। फने तामीर और डिजाइन देखें, 21वीं सदी की नुमाइंदगी करते हैं ये, बहुत ही खूबसूरत। सुर्ख ब्रेक से बनी दीवारें और लकड़ी से तामीर की गई इसके बेंचेस वगैरह, टेबल वगैरह देखें कितने खूबसूरत हैं ये। इतना साफ सुथरा और बेहतरीन रेलवे स्टेशन है ये बॉन्टन स्टेशन 1904 में। रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे देखिए साथ में, और दीगर चीजें भी हैं यहाँ पे। रेलवे स्टेशन बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह। ये सामने स्ट्रीट से भी हमारा रिहाइश आती है सामने से।
सुर्ख ईंटों से बनी है, देखें ये पूरी इमारत, और लकड़ी से इसकी छतें बनी हुई हैं। फन तामीर का जीता जागता सबूत है ये। आर्किटेक्चर ने खूब बेहतरीन डिजाइन किया है माशाल्लाह। देखिए कितना जबरदस्त है ये पुरानी यादगारें इसकी, देखिए एक खूबसूरत सा यहाँ पे ये एक डिब्बा भी मौजूद है। देखिए कितना जबरदस्त है ये, और बैठक बनाई है कराची में, जैसे हमारा वो रेलवे डिब्बे में रेस्टोरेंट बनाई है ना, इसी तरह का यहाँ भी ये मौजूद है। देखिए इसमें बैठक बनी हुई है, आके इसमें बैठे लोग, और इसमें अगर सर्दी हो तो आग भी जला के बैठ सकते हैं इसमें। खूबसूरत देखे डिब्बे में बोनटोन स्टेशन रेस्टोरेंट एंड टेवरन। मेन रोड पुल जो है, मेन रोड जो हमारा जो यहाँ का बोनटोन का मेन रोड है, समझ लें यहाँ का जो मैनहट्टन कहलाता है, वो वहां से चलता है ये। ये देखिए कितना जबरदस्त है ये। अभी सन्नाटा है यहाँ से, बहुत से टाउन से यहाँ पे ट्रेनें आती हैं और बहुत से टाउन की तरफ जाती हैं, और ये जो है ये कनेक्ट भी करता है न्यूयॉर्क से। माउंट क्लेयर बोस्टन लाइन कहलाती है ये, 2 एकड़ पर ये फैला हुआ है ये स्टेशन जो है, 2 एकड़ पर। और यहां से जो आप ये देखिए बोनटोन का रेलवे स्टेशन का मेन फेसिंग एरिया है मेन का, बस स्टेशन भी है यहाँ पे, बस भी आके रुकती है। पार कर दूं अपनी गाड़ी, फिर अंदर चलते हैं। मैं आपको बैक साइड से ले गया था, अभी मैं फ्रंट साइड की तरफ आपको लाया हूँ हमारे रेलवे स्टेशन का बोनटोन का। यहाँ जो है ये देखिए टाइम लिखा है हैप्पी आवर मंडे फ्राइडे 4 से 7 PM तक, ये यहाँ पे ही सारा। ऊपर चलते हैं, ये देखिए हमारा जबरदस्त रेलवे स्टेशन बना हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल। पहले मैं आपको सामने वाले पोर्शन में ले गया था, अभी देखें ये वाला पोर्शन निकले। ये यहाँ बारबेक्यू भी होता है, रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे पाने के लिए। देखें यहाँ से भी ऊपर आ जा सकता है, ये स्टेयर है, यहां से ऊपर आया जा सकता है यहां से। ये हमारी मेन स्ट्रीट है बोनटोन की, हमारे टाउन की ये मेन स्ट्रीट है यहां से। बस 2-3 मिनट के फासले पर ही मेरी स्ट्रीट आ जाएगी, उसमें मैं राइट हैंड पे टर्न कर जाऊंगा।
ये हमारा खूबसूरत वो भी है अपना पोस्ट ऑफिस, यहाँ पार्क, बच्चे अगर निकल रहे हो तो फौरन गाड़ी रोक देते हैं, यहाँ पे कानून है, यहाँ पे हर हालत में रोकना होता है, गाड़ी कंपलसरी रोकनी पड़ती है। ये मेन स्ट्रीट कहलाती है हमारी, ये हमारा एक सिनेमा हाउस है, स्मॉल टाउन बिग हार्ट, यहाँ का स्लोगन है हमारा बोन टाउन का। और ये मेरी स्ट्रीट है, यहाँ राइट हैंड पे मैं मुड़ जाऊंगा और यहाँ से समझ लो हजार फीट पे जो है मेरी रिहाइश है, 1000 फीट पर ही हमारी रिहाइश है। यहाँ से उल्टे हाथ पे हमारी जामा मस्जिद ये बनी हुई है देखें, और आज अल्लाह का करम है कि आज रात को ये हमारी मस्जिद है, जामा मस्जिद है। आज रात को जो है वो शब्बे बारात भी है आज रात को, और यहाँ बाकायदा प्रोग्राम रखा गया है दुआओं का, तो लेडीज भी है और जेंट्स भी है। लेडीज के लिए फर्स्ट फ्लोर मख्तस किया गया है जिसमें सिर्फ लेडीज ही होती है, बच्चे बच्चियां होती हैं, और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो है जेंट्स नौजवान वगैरह सब होते हैं, और बाकायदा इबादत होती है, दुआ होती है और लंगर का एहतमाम होता है। ये हमारे टाउन में